रेस्टोरेंट ग्लिंग की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे और ये बहुत ही अलग तरीके से बनेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने बॉयल आलू लिया है। ये 1 kg आलू था, मैंने इसे बॉयल करके मैश करके रखा है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिए कलौंजी, सो मैं इसमें डालूँगी। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, ये देखिए। तो इसे भी मैं क्रश करके थोड़ा सा डाल दूँगी हाथ से। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और डालेंगे हम इसमें नमक, स्वादानुसार नमक। और फ्रेंड, इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। तो ये थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, वैसे आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, आपको कितना तीखा खाना पसंद है। और फ्रेंड, हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये जो पराठे हैं ये लहसुन के फ्लेवर वाले बनते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने इस तरीके से नहीं बनाए होंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने डाल दिया है लहसुन। और इसमें अच्छी तरह से लहसुन डालना पड़ता है, मतलब कि बोले तो 2 बड़ा गांठ लहसुन का इसमें पेस्ट बनाकर डालना होता है। आप जितना आलू ले रहे हैं उसके हिसाब से लहसुन डालिए। तो हम इन सब मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे और पराठे बनाएंगे। फ्रेंड देखिए, मैंने इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसका पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा का डो तैयार कर लिया है। ये रोटी का डो है जिससे हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आटा का डो लगाना है। तो हम पराठा बनाने चलते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके का कुआं बना लिया है, आटा का डो का पतला कर लेना है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और हम इसमें जितना आलू डालेंगे, भरेंगे इसमें, उतने ही ये पूरी हमारी या पराठा कहें बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके एजेस को दबा दबा कर बंद कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, ये तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम और भी तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे रख लिया है, अब हम इसे बेलेंगे। आप जितना पतला चाहें उतना पतला बना सकते हैं, मोटा बना सकते हैं, जिस तरीके का आपको अच्छा लगे बनाएं। यहाँ मुझे तो बहुत पतला अच्छा लगता है पराठा खाने में, आलू का पराठा पतला अच्छा लगता है फ्रेंड। तो आप एक बार देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके का मैंने बेला है। अब यहाँ देखिए, तवा गर्म है तो हम तवे पर डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हो गया, एक तरफ मैंने तेल लगाया है और हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे। तो देखिए, पराठा सीख गया है। तो फ्रेंड, मुझे क्रिस्पी पराठा ही पसंद है इस तरीके का। देखिए, ये हो गया बन के तैयार। देखिए फ्रेंड, ये पराठा बन गया है, अब हम इसे सर्व कर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये पराठा कितना नरम मुलायम है, ये देखिए, ये कितना नरम मुलायम है। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार पराठा बनाइए। देखिए, ये इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो आप फ्रेंड ज़रूर बनाइए अपने घर में ये पराठा। तो देखिए फ्रेंड, ये सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। और ये टमाटर की चटनी है, इसकी मैंने बीटरूट डाली हुई है, मोमोज की जो मैंने रेसिपी डाली है ना उसी में है ये चटनी, आप उसमें से भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चटनी बनती है और आलू पराठे के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।